हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। तो आज मैं आपको अपने घर का ग्रह प्रवेश जो हुआ था उसका वीडियो दिखा रही हूँ। बहुत कम वीडियो भर पाई थी क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, समय नहीं था और कोई भरने वाला इतना जने भी नहीं थे। सब वो होता है ना, त्यौहार या घर में कुछ होता है तो हर कोई अपने खुद में ही मशरूफ़ हो जाते हैं, तो वो इस वजह से कम वीडियो है मेरे पास। लेकिन जो भी है मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं और मेरे हस्बैंड जी हैं और मेरे बच्चे हैं, हम साथ में भगवान जी को साथ लेकर गृह प्रवेश कर रहे हैं। जो कि कलश के साथ गृह प्रवेश होता है वो मेरे सासू जी और ससुर जी के हाथ से हमने करवाया था। और यहाँ पर हवन हो रहा है, इस हवन में मैं और मेरे सास ससुर हम बैठे थे। हवन बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और जो गैस पूजन था वो भी हो चुका है और तिजोरी पूजन भी हो चुका है। तो वो सारा वीडियो मैं आपको धीरे धीरे ज़रूर से बताऊंगी। तो हवन में मैंने लहंगा पहना था और इन्होंने कुर्ता पजामा पहना था, शेरवानी जैसा, और बहुत अच्छा लगा था। भगवान जी को भी मैंने हवन के पास में ही बिठाया था और बहुत ही अच्छी तरीके से हवन पूर्ण हुआ। जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत ही शुभ हुआ और आगे जो भी होगा वो भी अच्छा होगा। आप सभी की शुभकामनाएं हमारे साथ हो, भगवान जी का साथ हो और अपनों का साथ हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और जब इंसान के ऊपर भगवान का हाथ होता है ना तो कुछ भी शुभ अशुभ नहीं रहता है, सब शुभ ही शुभ होता है। तो बहुत ही मंगलमयी कार्यक्रम हो गया है। इसी के साथ बहुत मेहमान भी आए हैं, उन्होंने खुशी के साथ भोज ग्रहण किया और जो भी कन्याएं थी उनको भी जो भी हमें देना था वो भी हमने उनको देकर विदा किया है। इसी के साथ में हवन के बीच में मेरे काकी ससुर और काकी सास को भी बिठाया गया था क्योंकि हवन जो करता है वो तो बैठते ही हैं, अगर कोई और जोड़ा बैठना चाहता है तो वो भी बैठ सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो हवन में जो मंत्र उत्पन्न होते हैं सभी के एक साथ स्वाहा बोलने से वो बहुत ही अच्छा और शुभदायक होता है। तो इसी तरह से हवन हुआ है और गणेश जी की स्थापना हुई और नवग्रह की स्थापना हुई और भी कोई पूजा करवानी होगी तो हम ज़रूर से आगे करवाएंगे। इसी के साथ दूसरे दिन हमारे यहाँ मासी जी आ गई थी। मासी जी किन्नर को बोला जाता है, उनके नाम से उन्हें पुण्य नहीं बोला जाता है या फिर भुआ बोला जाता है इनको। और इनको 8000 का नेक दिया था और साड़ी बहुत सुंदर सी दी थी। इसके बाद में उन्होंने बहुत ही सुंदर सा माता रानी का भजन गाकर डांस किया था। ओ मैया मोरे अंगना जय श्री राम, मोरे काकी मोरे अंगना जय श्री राम। इस तरह से बहुत ही सुंदर सा नृत्य किया इन्होंने और उसके बाद में उन्होंने मेरी झोली भरी, झोली के अंदर गेहूं और 1 रुपये का सिक्का रखा और खूब सारा आशीर्वाद दिया मुझे, मेरे बच्चों को। और इस तरह से बहुत ही शुभ कामनाएं उन्होंने हमें दी और बहुत ही खुश होकर गए और बहुत अच्छा लगा है। जब बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होता है और सबकी शुभकामनाएँ और सबकी कई दुआएँ हमें मिलती हैं। तो आपको ये वीडियो और हवन वीडियो किस तरह कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें शुभकामनाएँ ज़रूर से दें। आप सभी का भी सुखमय और मंगलमय दिन हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।